बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मरियम किचन में खुश आमदीद। मेरे तमाम व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं टू डिफरेंट किस्म की ग्रीन चटनियाँ। ये आप कोड़ों और समोसों और पैटिस सब के साथ खा सकते हैं। तो टू ग्रीन चटनियाँ बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमने यहाँ पे रेडी करके रखी हुई है। सबसे पहले जो हम ग्रीन चटनी बनाएंगे उसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास ग्रीन टमाटो हैं जो बहुत छोटे छोटे से आप देख रहे हैं। ये हमने आपको दिखाने के लिए भी इसकी कटिंग नहीं की थी। ये हमने चार छोटे साइज़ के यहाँ पर रखे हैं। एक रेगुलर टमाटर हमने कटिंग करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास छोटी स्पाइसी मिर्चें हैं तकरीबन 6 से 7 अदद। यहाँ पे हमारे पास लहसुन की तुरियाँ हैं तकरीबन ये भी 7 से 8 हैं। यहाँ पे हमारे पास 1.5 लेमन जूस जो हमने निकाल के ऑलरेडी रख लिया है। यहाँ पे हमारे पास धनिया है और यहाँ पे हमारे पास पुदीना है। तो चलते हैं हम अपने ग्रीन चटनी बनाने की तरफ। यहाँ पे हमने ग्राइंडर को बिल्कुल रेडी करके रख लिया। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे रेगुलर टमाटर, इसमें हम डाल देंगे अपनी हरी मिर्ची, फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन, अब हम इसमें डालेंगे अपना पुदीना जो हमने रेडी करके रखा था, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। और इसके साथ ही हम इस पे डाल देंगे लेमन जूस और 1 चम्मच नमक का हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम अपने ग्रीन टमाटर को काट लें वो भी हम इसमें ऐड करते हैं। जी तो हमने ग्रीन टमाटर जो है वो काट लिए हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे। चलिए माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि हमने ग्रीन टमाटर जो है वो काट के डाल दिए हैं, और 1 चम्मच हमने चाट मसाले का जो है वो भी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, ये आप देख रहे हैं यहाँ से 1.5 कप जो है ये हम इसमें ऐसे डाल देंगे। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि तैयार हो चुकी है। ये देखिए, इसको हमने बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना। इसमें जो खटास है वो भी परफेक्ट है, और इसमें जो नमक है और जो इसमें हमने मिर्ची डाली हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं। लेकिन आप अपने जायके मुताबिक, अगर नमक ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा खटास पसंद करते हैं तो आप मिर्ची और लेमन इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो अब हम अपनी चटनी को डिश आउट कर लेते हैं। जी तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी ग्रीन चटनी की तरफ। तो दूसरी ग्रीन चटनी बनाने के लिए तकरीबन ऑलमोस्ट सेम इन्ग्रीडियंट है, लेकिन उसके लिए हमने जो चेंजिंग की है, यहाँ पे हमने इमली जो है वो रात को भिगो के रखी थी। अगर आप रात को भिगोना भूल जाएं तो 3 से 4 घंटे पहले आप उठ के भिगो सकते हैं सुबह। इसको हमने भिगो के रखा था, और यहाँ पे देखिए हमने उसकी गिटके जो है सेपरेट कर दिया है, और इमली का प्लम जो है वो सेपरेट कर दिया। ये तकरीबन 4 बड़े टेबल स्पून जो है ये हमने सेपरेट कर लिए। तो यहाँ पे हमारे पास पुदीना है थोड़े से पत्ते, और यहाँ पे हमारे पास धनिया है तकरीबन ये भी 4 टेबल स्पून बनता है, और 1 यहाँ पे हमारे पास लेमन है, और यहाँ पे 1 छोटे साइज का ग्रीन टमाटर है, यहाँ पे 1 छोटे साइज का हमने प्याज काटा है, और यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्च हैं, और यहाँ पे हमारे पास लाल टमाटर है, और यहाँ पे हमारे पास ऑल स्पाइसेस हैं जिसमें हमने ऐड किया है हस्बे जरूरत नमक, जीरा, थोड़ा सा जीरा 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और ये हमारे पास 1/2 चम्मच काला नमक, और ये हमारे पास 1/2 चम्मच चाट मसाला। तो चूंकि नमक जो है कम रखिएगा, इसलिए कि काला नमक इसमें भी नमक होता है, चाट मसाले में भी नमक होता है, तो इसलिए आप पहले इसको चख के देखिएगा, अगर कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी ग्रीन चटनी बनाने की तरफ। तो ये ग्राइंडर देख रहे हैं आप, हमने इसको उसी में हम इसको जो है कि शामिल करेंगे। अब ये इमली का पानी हम इसमें डाल देते हैं, साथ ही हम इसमें टमाटर, ये ग्रीन टमाटर, और साथ ही हम इसमें ऑनियन। अब हम इसमें डालेंगे धनिया, उसके बाद हम इसमें डालेंगे पुदीना, ये हम देख रहे हैं,
अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और ये हमारी जो तमाम स्पाइसेस जो हमें रखी थी वो हम इसके अंदर आराम से ऐड करेंगे। और अब रह गया लेमन, वो हम इसमें ऐड करेंगे। माशाल्लाह से इमली, लेमन और हरी मिर्च, इसका जो माशाल्लाह से जो टेस्ट आएगा वो बहुत ज़बरदस्त है। इसको बंद कबाब के साथ, शामी कबाब के साथ, आलू की टिक्की के साथ, समोसे के साथ, पकौड़ों के साथ आप इसको खाएंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। तो अब हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम 2 से 3 टेबलस्पून जो है पानी के हमने ऐड कर लिए है और अब हम अपने ग्राइंडर को स्टार्ट करते हैं। देखो जब ग्राइंड करने लगे तो बड़े एहतियात से आप इसको ऊपर से ऐसे खोल के चेक कर सकते हैं कि आपकी जो है कि चटनी सही ग्राइंड हो रही है कि। अब देखिए हम इसको माशाल्लाह से चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। आप देख रहे हैं, ये देखिए इसका कैसा ज़बरदस्त कलर है, बहुत ही ज़बरदस्त। की खटास भी बहुत ज़बरदस्त है और नमक भी बहुत अच्छा है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये तो उम्मीद करती हूँ कि आज की चटनी की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे आगाह करें। इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का बहुत ऐसा ख्याल रखिएगा और मरियम को भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले मरियम को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।